मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान, कोई परफॉर्मर, कोई सिंगर, कोई कंटेस्टेंट इतनी बड़ी ऊंचाइयों को कैसे छू सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं पवनदीप के बारे में, पवनदीप राजन के बारे में, जिसको जानकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट अगर आप पवनदीप के फ़ैन हो तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं इसे जानकर आपको काफ़ी प्राउड फील होने वाला है। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी भी म्यूज़िक रियलिटी शोज़ में रहते हुए इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाना, पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ना, और पवनदीप ने रिसेंटली हाल में कुछ ऐसा कर दिया है जिसको जानकर डेफिनेटली आपको काफ़ी खुशी होगी। और साथ ही साथ हम कल के एपिसोड के बारे में और पवनदीप राजन के बारे में कुछ ऐसे आपको फैक्ट बताने वाले हैं जिसको जानकर डेफिनेटली दोस्तों आपको काफ़ी प्राउड फील तो होगा ही, साथ ही साथ आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा गर्व भी होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम टीवी शोज से रिलेटेड बहुत सारे स्टफ इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पवनदीप ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे 3 रिकॉर्ड और अचीवमेंट हासिल किए हैं जिसको जानकर डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट पवनदीप के लिए ये एक ग्रेट मोमेंट, ये एक ग्रेट चीज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये उनके फैंस के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। और प्राउड मोमेंट इसीलिए भी है क्योंकि पवनदीप ने एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसे रिकॉर्ड्स, 3 ऐसे अचीवमेंट हासिल किए हैं जो किसी भी म्यूजिक रियलिटी शोज में होते हुए कंटेस्टेंट के लिए हासिल करना, उसको अचीव करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इन तीनों के बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले यहां पर मैं एक छोटी सी बात करूंगा और वो है इंडियन आइडल के बारे में। दोस्तों इंडियन आइडल स्टेज और सेट के थ्रू पवनदीप राजन ने आज तक बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और एक के बाद एक अनोखे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। खुद इंडियन आइडल भी पवनदीप के गायकी के थ्रू, उनके नाम के थ्रू बहुत ही सक्सेसफुल सीजन रहा है। और कहीं ना कहीं इंडियन आइडल अगर आज इतना सक्सेसफुल हो पाया है तो इसके पीछे का रीज़न कंटेस्टेंट ही है। हमारे टॉप 14 कंटेस्टेंट या आज जो टॉप 6 कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो इनके पीछे एक बहुत बड़ा पिलर है कि इंडियन आइडल इतना सक्सेसफुल हो पाया है, जिसमें पवनदीप का रोल एक बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट ये चीजें हमें देखने को तब मिली जब इंडियन आइडल ने 10वीं बार 3TRP क्रॉस किया, और वो 3TRP तब क्रॉस हुआ जब पवनदीप और अरुणिता का डुएट काफ़ी समय के बाद लोगों को देखने मिला, देन वो 10वीं बार 3TRP क्रॉस किया। तो स्टैटिक्स बताते हैं कि पवनदीप एज वेल एज अरुणिता कितने बड़े TRP बूस्टर हैं इंडियन आइडल के लिए, और इंडियन आइडल अगर आज इतना सक्सेसफुल हो पाया है तो उसके पीछे का राज क्या क्या है, ये फाइनली लोगों के सामने है ये सारे स्टैटिक्स के थ्रू। खैर दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पवनदीप राजन के कुछ ग्रेट अचीवमेंट के बारे में जो उन्होंने हाल में हासिल किए, लेकिन उसको बताने से पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी उनकी पास्ट ग्रेट ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि उन्होंने इंडियन आइडल की स्टेज के थ्रू कायम किए हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पवनदीप ने सबसे पहला एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया था जो कि एक टफेस्ट परफॉर्मेंस था, और म्यूज़िक रियलिटी शोज के इतिहास में वो ऐसे पहले कंटेस्टेंट थे जिन्होंने ड्रम बजाते हुए गाना गाया था और परफेक्टली सुर में आकर ठहराव के साथ गाना गाया था, जो कि एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है आज तक का किसी भी म्यूज़िक रियलिटी शोज़ का, और वो भी पवनदीप राजन का। दोस्तों उनका दूसरा ग्रेट अचीवमेंट है सांसों की ज़रूरत है कैसे, जो उन्होंने गाना गाया था कुमार सानू के सामने, वो सोनी टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज में जब उसे अपलोड किया गया तो उसके 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए हैं, जो कि किसी भी कंटेस्टेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उनका गाना किसी ऐसे स्टेज में, किसी म्यूजिक रियलिटी शोज के स्टेज से 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करना, डेफिनेटली पवनदीप के लिए ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। पवनदीप ने जब तबला बजाते हुए गाना गाया तो वो एक इम्पॉसिबल चीज़ थी जिसको पवनदीप ने कर दिखाया है, वो भी पवनदीप के लिए एक बहुत ही बड़ा, एक ग्रेट अचीवमेंट है। और साथ ही साथ पवनदीप एकमात्र ऐसे कंटेस्टेंट है किसी भी म्यूज़िक रियलिटी शोज़ के जो आज तक हुए हैं जिसमें कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरे सुर के साथ परफेक्टली परफॉर्म किया हो, और वो है पवनदीप राजन। खैर दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अभी आपको अचीवमेंट बताई वो थी पवनदीप के पास्ट ग्रेट अचीवमेंट जो कि उन्होंने इंडियन आइडल के सेट के थ्रू अचीव किया है, एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि पवनदीप हाल ही में कौन कौन सा ऐसा रिकॉर्ड्स बनाया है जो कि डेफिनेटली पवनदीप के लिए तो खास है ही, उनके फैंस के लिए भी खास है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कल के एपिसोड के बारे में जो कि करण जौहर स्पेशल एपिसोड था, और साथ ही साथ सेमी फिनाले वीक था जहां पर सारे कंटेस्टेंट ने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया और उनको उनके हिसाब से बहुत से रिवॉर्ड्स मिले और अप्रिशिएशन मिले। लेकिन अगर हम बात करें पवनदीप के बारे में तो कल सबसे ज़्यादा अगर किसी को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, ह्यूज कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन दिया गया है, प्रशंसा की गई है, तो वो है पवनदीप राजन की, जो कि हम कल देखते हैं करण जौहर जिस तरीके से पवनदीप के बारे में कहते हैं, जिस तरीके से पवनदीप की प्रशंसा
प्रशंसा करते हैं, बहुत समय के बाद ऐसा डिजर्विंग अप्रिशिएशन पवनदीप को मिला है जो कि बहुत हफ्तों तक रुका हुआ था। ना जजेस ऐसा अप्रिशिएशन पवनदीप को दे रहे थे और ना ही कोई गेस्ट, जो कि पवनदीप को काफ़ी समय के बाद ऐसे अप्रिशिएशन देखने को मिले हैं और पवनदीप के फैंस डेफिनेटली काफ़ी खुश हैं। वहाँ पर पवनदीप के लिए एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड और अचीवमेंट ये था जिस वक्त करण जौहर ने कहा कि मैंने सारे के सारे कंटेस्टेंट को ये कहा है कि वेलकम टू धर्मा फैमिली, लेकिन आज मैं पवनदीप आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि विल यू प्लीज़ कम टू धर्मा फैमिली। लोगों के लिए ये बातें छोटी होगी, लेकिन पवनदीप के लिए और जो इस चीज़ को समझते हैं उनके लिए एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है कि करण जौहर जैसा एक बहुत ही सक्सेसफुल और बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको उनके धर्मा प्रोडक्शन में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन में काम मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में रिक्वेस्ट करना कि विल यू प्लीज़ कम टू धर्मा प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पवनदीप के लिए, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पवनदीप के लिए। और ये चीज़ हम फील कर सकते हैं कल के एपिसोड में जिस तरीके से जजेस का और कंटेस्टेंट का रिएक्शन था कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट या रिकॉर्ड है पवनदीप के लिए। दोस्तों दूसरा उनका रिकॉर्ड जो है वो था कल ट्विटर में चार्ट बस्टर पवनदीप ट्रेंड कर रहा था। बहुत बड़ी बात है किसी भी कंटेस्टेंट के लिए एक म्यूज़िक रियलिटी शोज़ में होते हुए ऐसे रिकॉर्ड्स कायम करना। हालांकि पहले भी एक बार किसी कंटेस्टेंट का ट्विटर पर ट्रेंड किया था, लेकिन इस लेवल में नहीं, उनके शायद 4000 या 5000 मैक्सिमम ट्वीट्स रहे थे, लेकिन पवनदीप का जो ट्वीट्स है वो करीबन 35,000 से भी पार हो गया था जब मैंने ये लास्ट देखा था। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है पवनदीप के लिए। चार्ट बस्टर पवनदीप कल ट्विटर में शाम में ट्रेंड हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और उनके फैंस ने तो डेफिनेटली ये कर दिखाया है, जो कि पवनदीप के लिए ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ दोस्तों पवनदीप ने इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर टच किए हैं। हालांकि ये जो फॉलोअर उन्होंने टच किए हैं ये वो बहुत पहले ही कर लिए थे, लेकिन किसी भी म्यूज़िक रियलिटी शोज़ में रहते हुए 1 मिलियन फॉलोअर और इतनी ज़्यादा लोगों का प्यार मिलना छोटी बात नहीं होती है। इतने लोगों का प्यार और स्नेह पाना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सो डेफिनेटली पवनदीप को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इतने सारे अचीवमेंट को इतने कम समय में और अपने गायकी अपने टैलेंट के थ्रू हासिल किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैंने कल एपिसोड के टेलीकास्ट होने के पहले ही आपको बता दिया था कि टॉप वोटेड कंटेस्टेंट पवनदीप है एंड देन अरुणिता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कल अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट दिया ही होगा, और पवनदीप और अरुणिता के बीच के जो वोट का डिफरेंस था वो काफ़ी कम था, मैंने आपको कल बताया था 2 से 2.5%। तो अगर कल पवनदीप को ज़्यादा वोट गया होगा तो पवनदीप विनर होंगे, अरुणिता को ज़्यादा वोट गया होगा तो अरुणिता विनर होंगे, या किसी और कंटेस्टेंट को ज़्यादा वोट गया होगा तो वो विनर होंगे। तो देखते हैं अब 15 अगस्त के फिनाले को, तो इसीलिए आप इंडियन आइडल देखते रहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।